देखो विभीषणों और सुग्रीवों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, बहुत सारे बिकाऊ लोग घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बहन जी से भी बहुत बड़े हैं, बहन जी के संघर्ष को नहीं पहचान रहे, बहन जी के शासन काल को, उनको बहन जी को जमीन की भी अनुभव है लड़ाई का, और उनको संसद और प्रशासन का भी उसका चलाने का उसका उनका अनुभव है। अभी हमारे पास ऐसे बंदे नहीं आए और हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है, बहन है ना, वो हैं जब तक हैं तो हमारी सरपरस्त रहेंगी, हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे फॉर्मेट की। और जो नौजवान हैं उनके साथ काम करके अनुभव लें, काम करें, आगे बढ़ें और मिशन को आगे बढ़ाएं, ये मेरा कहना है जी। अशोक जी, आप बहन जी हो गई हैं पुरानी, उन पे अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और दिशा निर्देश भी उनके बहुत ज़्यादा सही नहीं बताए जाते हैं, लेकिन युवा चेहरे इस वक्त बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रशेखर रावण की, तो ऐसे बात युवा चेहरे हैं जो पार्टी संगठन को कहीं ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। देखिए जी, बूढ़े तो माँ बाप भी हो जाते हैं, क्या छोड़ दिया जाता है जी। और जब जब डे टू डे के जब माँ बाप कमान देते हैं अपने बड़े बेटे को या बच्चे को कि भाई घर की कमान संभाल, तो वो तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उससे सुझाव लेके ही करता है और उसकी गलतियों को भी वही ठीक करते हैं वो जो बुजुर्ग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चारों तरफ भाग लो मनुवादियों के ऊपर। और हमारा आ गया ना युवा चेहरा आकाश आनंद, आ गया भाई आकाश आनंद आ गया, वो करेगा काम, कर रहा है काम पूरी तरह से। दिल्ली में भी पदयात्रा करके करोलबाग से कहाँ कहाँ पर गए माननीय काशीराम जी के उस पर, यूपी में भी हर जगह हमारा आ गया युवा चेहरा, आ गया भाई, क्या दिक्कत है। देखिए मैं बार बार कह रहा था ये उसकी बात करते हैं परिवारवाद की, कर्नाटक चुनाव में वो राहुल गांधी, उसकी बहन प्रियंका गांधी, उसकी माँ, वो तीनों एक परिवार के लड़ रहे हैं उनके विरुद्ध। अगर बहन जी और उनका भतीजा अगर लड़ रहा है, अगर वो मैदान में हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमें ऐसा ही परिवार चाहिए और आने चाहिए जिनकी बीवी भी हो, खुद भी हो, बच्चे भी हों और रिश्तेदार भी हों, जो लड़े हमारे लिए, वेलकम है ऐसे परिवारवाद का, तो मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा परिवारवाद नहीं चाहिए कि जो इस जाति के होकर के और दुश्मनों के साथ मिल जाएं। हमें विभीषण नहीं चाहिए जो अपने अपने घर को तबाह करने के लिए दूसरे की मदद करें, दूसरे से कहें छुप करके तीर चलवाएं, बताएं ये है और उसको मरवा दें। हमें विभीषण नहीं चाहिए, हमें सुग्रीव नहीं चाहिए, हमें बहन जी चाहिए जो कि लड़ रही है। बुजुर्ग जरूर हो गई है भैया, शेरनी बुढ़ी जरूर हो गई है, मगर आज भी उसके पंजों में और उसकी धाड़ में आज भी दम है और हमें अभी उनकी ज़रूरत है। और आज वो अपने अनुभव को शेयर कर रही हैं, धीरे धीरे दे रही हैं वो नए नए लोगों को, नौजवानों को, जिस तरह से नौजवानों के प्लेटफार्म बना रही हैं, महिलाओं के लिए, नए नए लोगों के लिए रास्ते खोल रही हैं, एक बहुजन सेना का गठन हो रहा है। तो इसीलिए तो हो रहा है कि अगले पक्ष की सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार की जाए और बहन जी उनको वो सौंप करके जाए। तो बहन जी भी इस बात को समझ रही हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ बहन जी चाहिए क्योंकि बहन जी ही बचा सकती और कोई नहीं। अशोक जी, बहन जी के ऊपर एक बड़ा अहम आरोप लगता रहता है और ये कहा जाता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे कि, और बीजेपी को जिताने के लिए लगातार वह कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाती हैं और वह कोई इस तरीके से बहुत जो बाहरी चालें होती हैं वह नहीं चलती हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में बीजेपी का अभिवादन करती हैं या उसको थोड़ा सा हस्तक्षेप करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीतिक जो हर सामान्य नागरिक को समझ नहीं आती, और हमारे लोगों को भी अभी बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खुद कभी कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, एक आध डिग्री ले रखी है या डॉक्टरेट ले रखा है, वो उस आदमी के ऊपर सवाल उठाते हैं बाबा साहब पे, जो पूरी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, हमारे SC ST के लोग, वो 12वीं पास, BA पास या PhD करके एक आध उस आदमी पे जिसने तीन चार तो PhD की, जिसने विशेषज्ञ है पूरी दुनिया में, कानून के विशेषज्ञ है, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, जिन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो बहन जी को क्यों नहीं बदनाम करेंगे? देखो विभीषणों और सुग्रीवों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, बहुत सारे बिकाऊ लोग घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बहन जी से भी बहुत बड़े हैं, बहन जी के संघर्ष को नहीं पहचान रहे, बहन जी के शासन काल को, उनको बहन जी को जमीन की भी अनुभव है लड़ाई का, और उनको संसद और प्रशासन का भी उसका चलाने का उसका उनका अनुभव है। अभी हमारे पास ऐसे बंदे नहीं आए और हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है, बहन है ना, वो हैं जब तक हैं तो हमारी सरपरस्त रहेंगी, हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे फॉर्मेट की। और जो नौजवान हैं उनके साथ काम करके अनुभव लें, काम करें, आगे बढ़ें और मिशन को आगे बढ़ाएं, ये मेरा कहना है जी। आप थे हमारे साथ अशोक यज्ञानी, जिन्होंने यह बताया कि लोग सोचते हैं कि बहन जी का क्या होगा 2024 के बाद, सीधा सीधा उन्होंने एक बात में खारिज कर दिया कि लोग ये ना सोचें कि हमारा बहन जी का क्या होगा, उनको ये सोचना चाहिए हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर बहन जी नहीं रहेंगी, इस सिस्टम की जो संचालक हैं वह नहीं रहेंगी, और बहन जी जो अपने सिस्टम में थी तो वह चार चार बार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, उसके बाद उनका शासन कितना जो दमदार था वह पूरे देश ने देखा,
देखा और तमाम जाति धर्म समुदाय के लोगों ने ही नहीं, पूरी पार्टी के विपक्षी पार्टियों ने भी माना, लोहा माना इस बात का कि जो बहन जी जैसा शासन अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी हैं। और पूरे देश के अंदर कोई भी CM ऐसा नहीं हुआ जो बहन जी के कार्यों की कॉपी भी कर सके, यानी कि उनके जो कार्य थे, उनके जो स्कूल थे, उनके जो कॉलेज थे, उनके जो आवास विकास योजनाएं थी, इस तरीके के जो तमाम कार्य थे वो भी बहन जी ने ही दिए। और जो पुलिस प्रशासन का था वह एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त था कि सभी कर्मचारी जितने 9 बजे 10 बजे जो भी टाइम हुआ करता था वह उस टाइम तक पहुंच जाया करते थे। तो एक सशस्त्र शासन और जो एक्रोसिटी थी वह उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहने के वक्त एक भी एक्रोसिटी नहीं हुई। देश की यह मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, ऐसा कहना है अशोक ज्ञानी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने सहम चर्चा पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।